मध्य प्रदेश का इंदौर स्वच्छता के मामले में एक बार फिर से सिरमौर बना है। इंदौर देश के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की रेस में नंबर वन रहा। ये अवार्ड लेने इंदौर से 22 लोगों की टीम पहुंची थी, जिसमें सांसद शंकर लालवानी के साथ पार्षद पुष्यमित्र भार्गव के अलावा नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल मौजूद थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान इंदौर को दिया। शहर में जश्न का माहौल है, लोग घरों के आगे पटाखे चला रहे हैं, वहीं एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी जा रही है। सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाना भी हो रहा है। जश्न के माहौल में सफाई मित्र और सफाई दीदियां भी पीछे नहीं है। सफाई दीदी अपने हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पर नाचते हुए दिखाई दी और शहर के 11 अलग अलग स्थानों पर दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। जैसे ही इंदौर को नंबर वन का खिताब मिला, सभी इंदौरी झूम उठे और एक दूसरे को गले लगकर बधाइयां देने लगे। इंदौर सफाई को त्योहार की तरह मनाता है और यही एक वजह है कि लगातार इंदौर 6वीं बार नंबर वन का खिताब अपने नाम पर मिला है। इंदौर को शहर के 7,500 सफाई मित्र दिन रात अपनी मेहनत में लगे रहते हैं और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से इंदौर नंबर वन रहा है। वहीं नगर निगम इंदौर ने 2017 में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहन से गीला और सूखा कचरा लेने की व्यवस्था बनाई थी। साल 2019 में इन वाहनों में तीसरा बिन लगाया गया। 2020 में इन वाहनों में 6 बिन सेग्रीगेशन की व्यवस्था शुरू हुई और इसमें गीले और सूखे कचरे के अलावा प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक, घरेलू हानिकारक और सैनिटरी वेस्ट को अलग अलग लेने के लिए कंपार्टमेंट बनाए गए और ऐसे में 6 तरह का कचरा अलग अलग मिलने से छटाई की समस्या भी कम हुई थी।